So we were eating animals, we were eating fruits which were grown there, but who could decide that we can actually bring a grain called as rice, usko jameen mein dalna, usko ugana, uske baad mein husking karna, uska milling karna, usko polish karna, usko retain karna, fir usko banana. Apple khana bahut easy hai, apple thoda kha liya, chiku thoda khola kha liya, lekin rice khana easy hai kya? राइस को उगाना पड़ता है, मिलिंग करना पड़ता है, हस्टिंग करना पड़ता है, उसके अंदर उसको परफेक्ट एक परफेक्ट टेम्परेचर उसको उबालना पड़ता है. अरे शायद हमने भूख के ऊपर जो ना विजय पाया था, उसी को शायद हमारा नाम है ना, लोगों ने हमको विश्वगुरु बोला था. और देखिए सेकेंड लेवल का पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, गन्ना उगाना इसी है, लेकिन किसी आदमी ने पहली बार जब गन्ना बनना वाइट क्या होगा, उसके दांत में लगा भी तो होगा. इन गन्ना को क्रश करना हमको आता था, उससे जूस निकालना आता था, और टेम्परेचर मेंटेन करके उसको जला के गुड़ बनाना आता था. ज्यादा टेम्परेचर तो गुड़ जल जाएगा, कम हुआ तो पतला रह जाएगा. एंड द सेकेंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच वी हैड फ्रेंड्स वॉज टू मिक्स दिस गुड़ एंड चावल टू मेक मोदक. हम महाराष्ट्र से, अरे गणेश जी की भूमि है, गणेश जी का यहाँ पे बहुत बड़ा स्वागत होता है. कभी विचार केला का अपन मोदक बनत असताना त्याला कशी का टेक्नोलॉजी लागते? इज इट सो इजी टू मेक मोदक? लेट्स गो टू फ्रांस एंड आस्क द फ्रेंच लेडी टू मेक मोदक एंड सर्व इट टू अस. इट्स नॉट पॉसिबल. There was no oven that time. But we were making modak which could retain for few days. मुझे ना आप जब तिवारी जी बोले थे ना पिक्चर के बाद, तो मुझे कविता याद आ गई. मैं इसी नागपुर में रेशम बाग में मैंने कविता सुनी, तो वो मुझे आपके सामने बोलने की याद आ गई. कल्चर में और प्रोग्रेस में कोई डिफरेंस है क्या? और इस प्रोग्रेस वर्किंग विद कल्चर, इस प्रोग्रेस वर्किंग अगेंस्ट कल्चर, ये दुविधा जो है ना, दो शब्द है. मुझे लगता है कि प्रोग्रेस कल्चर के साथ में चलता है, कल्चर भी प्रोग्रेस के साथ में चलता है. सर संस्कृति और विकास साथ में है, दोनों भाई बहन हैं, और हमारे यहाँ पे कल्चर है, मेरे घर पे कल्चर है. इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज नॉट देयर, इट इज ऑल हियर. मैं एक कविता आपको बताता हूँ, तिवारी साहब आपकी इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैंने एक कविता बचपन में सुनी थी. निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. बहुत डिफिकल्ट थी. पिताजी को पूछा मैंने कि बाबा ये का है, ऐसा अर्थ है मराठी आपको लोगों का, क्योंकि आप नागपुर से, मेरा भी ननिहाल नागपुर है. मैं जब भी मुझे कोई नागपुर बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, माता जी की भी याद आती है. निर्माणों के युग में चरित्र निर्माण न भूले, द एज ऑफ डेवलपमेंट. जब हम यहाँ पे मेट्रो बना रहे हैं, हम यहाँ पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, पास में आया सर लॉन्ग सेंटर बन रहा है, कहीं पे पुणे के पास में नारायण गांव के अंदर दूरबीन बन रही है, निर्माणों के कार्य में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा डेवलपमेंट होगा. चरित्र निर्माण में इट्स अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच विल टेक द नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड. और चरित्र कैसा? पाकिस्तानियों ने आंख दिखाया, घर में जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया. यू अंडरस्टैंड रिलेट दिस टू सर, विकास के साथ में संस्कृति ने हमने साथ में ना तेज भी रखा, हमारा तेज को भी रखा. प्रोग्रेस डेवलपमेंट वॉट यू नो, वॉट वॉज अवर कल्चर? अवर कल्चर देखिए क्या कैसा कल्चर है सर. मुझे कविता फिर से याद आ गई, मतलब आप सब लोग पढ़े लिखे लोग टीचर साथ में, तो शायद कविताओं का जोर होगा. किसी ने कहा था कि गिरु नो सकल वंश सूते थे भूमि पे, हार देते हौसले पंच नदी के तीर पे, पता नहीं कहाँ है वे अतीत में समा गए, काल के प्रभाव में निच को हुए मिटा गए. धीरे धीरे बोलता हूँ फिर से. ग्रीक हौन सकल वंश टूटते थे भूमि पे. So there was civilization called as Greek, there was a civilization called as Hun. And second, today they were bhoomi pe, where they used to come, they used to win all, everywhere where they used to put their feet, they used to win that land. Jahan jahan zameen pe kara tha, zameen unki ho jati thi. Haar dete hausle panch nadi ke teer pe. Frustration, devastation on the banks of five rivers, yani Indus ke nadi ke bagal mein keval frustration tha. Porus hara, Ambi hara, अंत में तो हमने देखा कि राणा भी हारा. फ्रस्ट्रेशन. ग्रीक हाउन सकल अवंश टूटे थे भूमि पे, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पे. लेकिन तीसरी लाइन देखिए, कविता जिसे लिखी है, जिसने भी लिखी होगी, बहुत सुंदर लिखी है, पता नहीं कहाँ है. मनीष भाई मैं बहुत ढूंढ रहा हूं कई सालों से, आप तो बहुत बड़े न्यूज चैनल के मालिक हैं, आप ढूंढ के बता दीजिए सर, कहीं पे तो कैमरा होगा ना. एम्प्लॉइज ऑलवेज एन ऑनर सर, और यहाँ पे सब स्टूडेंट के बैठे, प्लीज सर्च वेर इज ग्रीक सिविलाइजेशन, वेर इज हुन सिविलाइजेशन, वेर इज सकल सिविलाइजेशन. नहीं सर, काल के प्रभाव के नीचे को भी मिटा गए. दे हैव सेल्फ डिस्ट्रॉयड देमसेल्फ बिकॉज दे डिड नॉट हैव द प्राइड ऑफ द कल्चर. द प्रोग्रेस किल्ड देम. प्रोग्रेस ऑफ वॉरफेयर किल्ड देयर प्रोग्रेस ऑफ कैरेक्टर, एंड प्रोग्रेस ऑफ वॉरफेयर किल्ड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट.
आखिरी पंक्ति जो उस कवि ने लिखा है वो उसने लिखा है, गिरी कमोड सकल अवन से टूटे थे भूमि पे, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पर, पता नहीं कहां वे ताल के स्वराह में निज को मिटा दे। बट देखिए हमारी संस्कृति को देखिए, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडो सिविलाइजेशन इज स्टिल हियर। 230 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2300 साल पहले आर्य चाणक्य जी, 5000-10000 साल पहले कोई कहते कि कृष्ण थे, 10000 साल पहले 15000 साल पहले रामायण थे। सर पार्किंग का इश्यू क्यों नहीं था पता है? बिकॉज द प्लेन्स केयर होवर इन द एयर विथ द सोलर एनर्जी, दैट वाज द कैपेसिटी। सर लेट मी डिफाइन दिस ऑफ व्हाट वाज द प्लेन ऑफ रावणा। द प्लेन ऑफ रावणा वॉज कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी। वॉट इज कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी टूडे? वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल टेक्नोलॉजी। वॉट यू सी हियर, इफ द प्लेन इज इन सेंटर दिस विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर साइड। The cameras in such a position that you can see the still on the other side. आपको कैमरे से दिखेगा नहीं। और हमारे पर बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि कभी कोई प्लेन ऐसे मंत्र के उच्चारण से उठता है क्या? वॉइस कमांड पर दरवाजा तो खुलता ही है आजकल। वो दिन दूर नहीं कि वॉइस कमांड पर प्लेन उड़ेगा। What is mantra? It's nothing but a basically a sequence of codes written in a sequence with a voice recognition, so the doors open. और फ्यूल का कितना एफिशिएंसी है? कहते हैं कि रावण जब बैठा था तो +1 सीट होता था, द प्लेन वाज स्केलेबल, बड़ा हो सकता था। नहीं विश्वास नहीं होता था बिकॉज वी बिलीव इन थिंग्स विच वी कैन ओनली सी, सो देन वी कैन सी द सैटेलाइट मैपिंग ऑफ द मैन मेड स्ट्रक्चर विच इज देयर फ्रॉम तिरुवनंतपुरम फ्रॉम रामेश्वरम टिल द बे ऑफ श्रीलंका। व्हाट वाज दैट? Okay, I would not like to say that it was Ram Setu, but it was something. Somebody created that. So what is the challenge or the equation between progress and culture? It's very simple. हमको थोड़ा सा हमारा पीछे देखना पड़ेगा, और हमारे घर पे है, और नागपुर तो पुण्य भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ पे टुकड़े जी महाराज का पैर पड़ा हुआ है यहाँ पे। आप में से कितने लोग दिवाली मनाते हैं? इस दिवाली और हिंदू सेलिब्रेशन Then you are grossly mistaken. दीपावली और हिंदू धर्म का संबंध जरूर होगा, लेकिन दीपावली जो है ना, इट्स अ ग्रेट साइंटिफिक इक्वलाइजर। दिवाली किस दिन होती है? कौन से अमावस्या को होती है? मैडम अश्विन मुझे एक पता है, सर्च मारना अपने गूगल में, द डार्क मून, उस दिन की अमावस्या सबसे घनघोर होती है। सेलेस्टियल पोजीशंस पे वहां उस दिन स्टार्स भी नहीं दिखते, आसमान सबसे ज्यादा काला होता है। एंड इस सिविलाइजेशन का, इस कल्चर का ताकत देखिए, वी शो पार्ट टू द गॉड्स। इतनी रोशनी करते हैं हम कि स्पेस में से भी हम दिखे जाते हैं। कैन वी शो पार्ट टू द स्पेस? इट्स एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सेलेस्टियल पोजिशन एंड ह्यूमन काइंड विक्ट्री ओवर सेलेस्टियल पोजिशन। किस तरह से तारागण को हम यहां से रास्ता दिखाएंगे ये तय करता है, इस सिविलाइजेशन का, इस कल्चर का धरोहर है। प्रोग्रेस ने इसको बढ़ाया कि कम किया? प्रोग्रेस ने बढ़ाया। पहले हम तेल के दिए लगाते थे, अभी इलेक्ट्रिकल लगाते हैं। द आइडिया इज सेम, द प्रोग्रेस सप्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स दिस। यस वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चर। आई हैव 5 मिनट्स फॉर यू, राइट? देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चर। नागपुर मध्ये आपण पोळा साजरा करतो ना, बैलांना कलर लावतो। आप में से कितने को पता कि नागपंचमी करके भी त्यौहार होता है? अच्छा एक और पता है आपको कि हमारे यहां पे सबसे अच्छा एक और जानवर की भी हम पूजा करते हैं, स्वान। कितने लोगों को पता है? तो कुत्ते को स्वान भी बोला जाता है। विद्यार्थी के लक्षण होते हैं 5, उसमें से एक लक्षण होता है स्वान निद्रा का आगम, राइट? A student has to sleep like a dog. If there is a smallest noise of knowledge, he should wake up and grab it. हमारे यहाँ पर तो कुत्ते को भी पूछते हैं। ये कोई हिंदू धर्म पूछता ऐसा नहीं, नागपुर में। This is coexistence and the culture of this particular land where we respect every animal's contribution to the development of mankind. नागपंचमी के दिन हम इसलिए उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो नाग जो आता है रोडेंट्स को खाता है और हमारी खेती को बचाता है।
जो घात कर सकता हमारे ऊपर उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं. दैट इज अ कल्चर इन प्रोग्रेस. देयर इज अ पेटा विच कम्स एंड टेल्स अस डोंट फीड मिल्क टू नागपंचमी. दिस कैन बी डिबेटेड. दिस इज अ प्लेस वेयर वी डोंट किल बुल्स फॉर फन कर्डस बुल फाइट बट वी प्ले विद देम इन पोलर. उसको कलर लगाया जाता है, उसको पूरे घर का सदस्य बनाया जाता है. तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल रिलीजन. तो दिवाली में एक सेलेस्टियल है और यहाँ पे जानवर के सपने हैं. और साथ में बड़ सावित्री कितने लोगों ने देखा होगा यहाँ पे. आई आजी करते ना, तुलसी विवाह भी होता है. पेड़ पौधों का साथ में लेके चलने का एक कल्चर हमारा. और प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस ये कि आज भी नहीं भूले, 5000 साल बाद में भी, आज भी हमारे घर में बड़ सावित्री की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है. The obligation of nature to the humankind is celebrated through this festival. Progress has helped us. Probably because of the 800 years of slavery and then 60-70 years of post-independence challenges. कोई भी सरकार होगी, शायद उनको challenges होंगे. पैसे का challenge होगा, resource का challenge होगा. हम शायद ये 700-800 साल में अनेक चीजों को हम भूल चुके और केवल प्रतीकात्मक करते हैं. इसके लिए हमको लगता है कि कल्चर और प्रोग्रेस में कोई बुराई है. विकास और संस्कृति भाई बहन सर साथ में रहते हैं और अगर साथ में मिल रहा है तो बहुत आगे बढ़ते भी हैं. अच्छा बताइए, हमारे देश में परमवीर विजेता कितने हैं? क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? अगर हमको परमवीर विजेता का नंबर नहीं पता होगा ना तो चैलेंज है, तो प्रोग्रेस शायद ना पूरा नहीं है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो भी टीचर जाओगे एक लिस्ट हमें लगाना चाहिए कि भाई कैसे कालिया वहां पे मरता है. कालिया क्यों मरता है? वो बॉर्डर फिल्म में दिखा, इसके लिए नहीं मरता. वो इसलिए मरता है कि आज आप और मैं यहां पे आराम से बात कर पाए, इसके लिए गोली खाता है कालिया. तो दिस इज द कल्चर ऑफ दिस कंट्री. ही सेड आई विल डाई हियर बिकॉज यू शुड बी हैप्पी देयर. आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड. बट जब भी काले का नाम आता है तो सिर्फ पत्र से ऊपर उठा नहीं होता है. कैप्टन काले का नाम सुना है ना आपने? तो हमको वो 12 लोगों को तो याद करना पड़ेगा कि 12 कौन है और महाराष्ट्र से कौन था उसका तो देखना पड़ेगा. मनीष भाई, मेरी शादी 1999 में हुई थी. मैं जिस गांव से आता हूँ वहां से 6-8 रेजिमेंट आता है. मेरे दादाजी ने मेरी शादी में ना तो बैंड बजने दिया था, ना मिठाई बटी थी, ना पटाखे फूटे थे. उन्होंने कहा था कि गाँव के छोरे मरे, बैंड नहीं बजेगा. तो अगर किसी ने मेरी शादी का अगर सुने तो उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट सेलिब्रेट. इस गांव इस धरती का प्रोग्रेस, इस धरती का कल्चर है. मुझे लगता है मैंने समय पूरा किया. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा बोलना चाहूंगा. जो जो बातें आज नहीं कर पाया वो सारी बातें मैं ब्लॉग में लिखूंगा. आप लोग मेरे ब्लॉग को भी देख सकते हैं. मैं मनीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. जब भी विद्यार्थियों से बात करने का मौका मिलता है तो मन में अलग चलेगा. This is absolutely a clear-cut relationship that I don't have any kind of Eastern bias in my mind. When I keep sitting TV channels and then I'm very, very cautious. But here I was totally myself. I was a student. I would have to thank Amina Madam, Tiwari Ji, aapne mahol jo bana uske karan meri baatein logo tak gayi. I would like to thank all the students who are sitting here. Aur jo pehle ke speakers the unko bhi dhanyawad karta hu ki unhone sama bhang ke rakha ki aap log mere liye ruke. Lekin ek aapko main baat batana chahunga. हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, अवर कल्चर ना इज देयर. एंड इफ यू सी द कमेंट विच आर रिटन इन द कमेंट बुक, आई सेड दिस इज वेयर इंडिया 2025 इज बॉर्न टुडे. यू आर गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम मी एंड मेक दिस कंट्री अ प्राउड कंट्री टुमारो. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. यूनान मिस रोमा सबमिट गए जहां से, बढ़ता रहा है लेकिन ये कारवा हमारा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा. यही सार था हमारे पूर्व वक्ता का, श्री गोयंका जी का, जिन्होंने हमारी